विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य पर बिष्टुपुर स्थित परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर परिसर में योग केंद्र का शुभारंभ हुआ। यहां उद्घाटन सत्र में जमशेदपुर के पूर्वी के विधायक सरयू राय उपस्थित हुए और लोगों को योग के प्रति प्रोत्साहित किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सरयू राय ने कहा कि हर एक व्यक्ति को जीवन में योग का बड़ा महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन कम से कम एक घंटे का समय निकालकर अपने दिनचर्या में योग को अवश्य शामिल करना चाहिए ताकि सभी मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सके। परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर में आज से स्थायी योग केंद्र का आरंभ हुआ है। इस अवसर पर लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था। योग के बारे में प्राय हर आदमी उसके महत्व को जानता है। अष्टांग योग है, पतंजलि जी का, गुरु गोरखनाथ ने 84 आसन इसमें जोड़ा है। जो जितना कर सकता है उतना करे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम अगर दिन का एक घंटा इसके लिए देते हैं, सूक्ष्म व्यायाम भी करें या सूक्ष्म योग करें, साथ में प्राणायाम और श्वास क्रिया का करना बड़ी ज़रूरी होता है। श्वास क्रिया से नाड़ी शोधन होता है और नाड़ी शोधन से योग करने की शक्ति प्राप्त होती है। परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर में आज से स्थायी योग केंद्र का आरंभ हुआ है। इस अवसर पर लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था। योग के बारे में प्राय हर आदमी उसके महत्व को जानता है। अष्टांग योग है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग भवन में जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ शहर के लोगों ने योगाभ्यास किया। उप विकास आयुक्त मोहम्मद शाहिद अख्तर, अनुमंडलीय पदाधिकारी हरिवंश पंडित, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर चंदन, योग प्रशिक्षक संजय शुक्ला ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर योगाभ्यास का शुरुआत किया। योग प्रशिक्षक संजय शुक्ला ने बताया कि आज की भागदौड़ भरे जीवन में लोगों को योग से जोड़कर स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। वहीं मौके पर उप विकास आयुक्त मोहम्मद शाहिद अख्तर ने जिलेवासियों को नियमित रूप से योग करने का संदेश दिया। एक सर्किट बना लें और शरीर को एकदम समान स्थिति रखेंगे। पूरे विश्व में आज योग हुए दम वगैरह लोगों के जीवन शैली से पहले जुड़ा हुआ था। कालांतर में योग विद्या प्राय लुप्त हो गई थी क्योंकि योग का बीड़ा उठाने वाला कोई संत, कोई महात्मा, कोई महापुरुष इसको आगे तक ले जाने वाला नहीं था। जब तक नेतृत्व नहीं मिलता है तब तक आम जनता को बल नहीं मिलता है। तो नेतृत्व देने वाले महर्षि महायोगी आदरणीय योग ऋषि बाबा रामदेव का साथ मिला और लोग धीरे धीरे घरों से लेकर के पूरे समाज से लेकर के पूरे राष्ट्र से लेकर के और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग जुटते चले गए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे यहाँ पर योग भवन पाकुड़ में योगा का शुभारंभ किया गया। ये सभी लोग जिला स्तरीय पदाधिकारी और तमाम जो है पाकुड़ वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अच्छी सेहत रहें, योग को अपनाएँ, योगा